हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ चिकन करी की बहुत ही आसान सी रेसिपी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो देर किस बात की, चलिए फिर शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। चटपटा मज़ेदार चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है एक ग्राइंडिंग जार। इसके लिए हम इसमें डालेंगे 2 इंच का कटा हुआ अदरक का टुकड़ा और साथ ही में डालेंगे 10 से 12 कलियाँ लहसुन की। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के साबुत जीरा और साथ ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच साबुत काली मिर्च। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पानी डालने के बाद हम इसका ढक्कन लगाकर इसका हमें एक फाइन सा पेस्ट बना के तैयार करना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। अब इस पेस्ट को हम रख देंगे साइड में। तो यहाँ मैंने लिया है चिकन। चिकन की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 300 ग्राम ली है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा तैयार पेस्ट। इसके बाद इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच यहाँ पे लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच यहाँ पे लेंगे धनिया का पाउडर, 1/2 चम्मच लेंगे हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक। लाल मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इन सारे मसालों को हम डाल देंगे इसमें। और यहाँ पे आपको किसी भी स्पेशल मसाले का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप दही। तो दही आपको यहाँ पे फ्रेश लेनी है। तो दही को भी मैंने मसालों के साथ चिकन में डाल दिया है। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे 1/2 से 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए, जिससे कि अच्छा टेस्ट आएगा। अब 1/2 घंटे के बाद हम इस चिकन को बनाएंगे। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप मैरिनेट करने के बाद ही बना सकते हैं इसको। तो यहाँ मैंने ले लिया है सरसों का तेल 200 ग्राम। इसको गर्म कर लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे कुछ साबुत मसाले। 1 चम्मच यहाँ पर हम लेंगे शाही जीरा, जिसको काला जीरा भी बोला जाता है। 3 से 4 लेंगे लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 चक्री लेंगे फूल और 2 इंच लेंगे दालचीनी लकड़ी का टुकड़ा। अब इन सारे मसालों को हम डाल देंगे गर्म ऑयल में और इसे हल्का सा क्रैकर कर लेंगे। साथ ही में मैंने यहाँ पे लिया है 1 तेज़पत्ता। तो यहाँ पे फ्लेवर रिलीज हो गया है ऑयल में। अब इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े साइज का प्याज, जिसको मैंने रफली चॉप किया है। और इसको डालने के बाद हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भून लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज का जो कलर है वो गोल्डन हो गया है, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज का टमाटर, जिसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और टमाटर डालने के बाद हम इसे भी मिक्स कर लेंगे, यानी हमें इसको भून लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो गल गया है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन। और चिकन डालने के बाद हमें गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम पर हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भूनेंगे। यहाँ पे आपको चिकन को भूनना बहुत अच्छी तरह से, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। इसमें आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि हमने इसमें दही ऐड किया है और दही में ऑलरेडी पानी होता है। अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। और 8 मिनट हो गया इसे पकते हुए। चिकन यहाँ पे हमारा बन गया है। अब हम दोबारा से इसको भूनेंगे। भूनते वक्त आपको गैस की फ्लेम हाई करनी है। और यहाँ पे चिकन हमारा खूब अच्छी तरह से भून गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। तो अब हम इसमें ग्रेवी के लिए डालेंगे पानी। तो पानी मैंने यहाँ पे 2 कप लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसी आपको ग्रेवी रखनी हो, पतली या गाढ़ी। और पानी ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लेंगे। फ्रेंड्स, आपको अगर कोई भी चिकन की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारी रेसिपीज मिलेंगी जो कि आपको पसंद आएंगी। तो यहाँ पर हमारा चिकन बन के तैयार हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना लजीज हमारा चिकन बनके तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को नान, रोटी या चावल के साथ सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और बनाना बहुत आसान है। तो एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करिए। और फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी रेसिपी ट्राई करते हैं और उसकी पिक सेंड करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।